नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गार्जियन, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल एविएशन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्जियन मार्च 2024 में रिलीज होने वाली एक डरावनी हॉरर फिल्म। गार्जियन भारत की तमिल भाषा की फिल्म है। सबरी और गुरु सरवणन की सहयोगी टीम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सहंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान जैसे स्टार्स स्टेट कलाकार है। हालांकि कथानक के बारे में विवरण गुप्त रखा गया है, लेकिन प्रतिभाशाली कलाकार, अनुभवी निर्देशकों और हॉरर शैली का संयोजन एक रोमांचकर सिनेमा अनुभव का वादा करते हैं। शीर्षक गार्जियन कुछ अलग अलग फिल्मों को संदिग्ध कर सकता है, इसलिए आपको सबसे सटीक कहानी देने के लिए मुझे कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। 2006 की एक अमरीकी फिल्म है जिसमें एक थके हुए तटरक्षक बचाव तैरत ने गुरुगुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है, और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेन रेंडल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पर जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गार्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रेयन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गार्जियन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एवलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूरज आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक, लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एवेलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एवेलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने, धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त ज़रूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया। उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैबेलिन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए वहाँ उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं। आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूलिया की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है। लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी। लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए। तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है। वो काम के बाद आता है। उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफ़ी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशाम में उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था। उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था। उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर की रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरौटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जेक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करते हैं। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूरज आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक, लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और अभिनिमित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताई, उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के एक नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सहजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलते समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान, बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचे थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब उन छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, अर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसके शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की, उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। अर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टिन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चचाहट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरठ ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्ष मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रियान और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल एक बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक अक्षर है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने, धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एवरिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई, हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एवरिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी, मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया, उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एवेलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताई और उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संग्रहता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एवेलिन को लगा कि यह जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एवेलिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एवेलिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एवेलिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सहजता से भरती है। एवेलिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एवेलिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान, बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एवेलिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एवेलिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशाम उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एवेलिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया, उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया, उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की, उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों के दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरौटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोडियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भी लाया। उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी, मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए वहाँ उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की, उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन ने शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है। उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है, जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह। उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था। उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के, जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था। उन्होंने छिपे हुए इजारों के खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगरूटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पर जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था। परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी। एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था। तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा। वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खंगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबिलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताई और उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि यह जुड़ाव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेसामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, अर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, अर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सड़त शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छाया में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरट ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षम मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पर जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेशकर्ते के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तत्व जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रियान और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक, लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोडियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल एक बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई, हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी, मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया, उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताया, उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगतता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान, बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशा में उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की, उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर की रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटसंरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरौटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जेक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्ष मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करते हैं। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तिकड़ी को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और अभिनिमित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताया, उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंगबे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के एक नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सहजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलते समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थे। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचे थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, अर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, अर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टिन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा नए गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्ष मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रियान और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एवलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था। परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी। एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल एक बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एवलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एवलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है।
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या ये वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त ज़रूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबिलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताई और उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्रिन को लगा कि यह जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्रिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्रिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्रिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्रिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभव या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्रिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्रिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशाम उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्रिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुना। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरौटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेशकर्ते के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोडियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या ये वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भी लाया। उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलेन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए वहाँ उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है। लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शोली जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी। लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है। वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभव या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह। उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था। उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था। उन्होंने छिपे हुए इजारों के खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगरूटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्ष मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था। परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी। एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था। तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने धीमी आवाज में कहा। वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है।
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खंगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की, उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि यह जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है। उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है, जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रतासा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह। उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेसामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है, जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के, जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी साढ़त शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छाया में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरठ ने गुरुगुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पर जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेशकर्ते के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रेयन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एवलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूरज आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एवेलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एवेलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है।
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या ये वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई, हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी, मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया, उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताया, उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगतता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते हैं जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एवेलिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान, बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्रिल ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेसामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए हैं। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर की रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरौटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जेक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करते हैं। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तिकड़ी को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और अभिनिमित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबलिन को अपने युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज़ में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताया, उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के एक नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है। उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है, जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सहजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलते समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजन रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेसामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और लचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, अर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के, जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, अर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो उन पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षम मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रियान और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल एक बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्चर्य है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने, धीमी आवाज़ में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है।
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एवरीन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एवरीन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एवेलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताई और उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संग्रहता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एवेलिन को लगा कि यह जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एवेलिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एवेलिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एवेलिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एवेलिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एवेलिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभव या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एवेलिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एवेलिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशाम उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एवेलिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों के खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुना। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी सात और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमेरिका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप बेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 की रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोडियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते, सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भी लाया। उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी, मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए वहाँ उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्लिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की, उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है। उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है, जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह। उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और लचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था। उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जेन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था। उन्होंने छिपे हुए इजारों के खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जेन और जेन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जेन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई थी जो एक विशाल थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरा ने गुरु मुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बैनरेंडल एक महान तटरक्षक बचाओ तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगरूटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पड़ जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावित मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तच जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमर का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटोरियन और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों को अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावित बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एबिलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूर्य आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था। परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी। एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोरियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एबिलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था। तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एबिलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने, धीमी आवाज़ में कहा। वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है?
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते वे बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया, उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैं विलीन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा, उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूल्या की खंगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एबलिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण के प्रति पर असहमति जताई और उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा, यह किसी मायावी चीर की खोज करने की बात है जो खुद से बड़ी है। एब्लिन को लगा कि यह जुराव बनप रहा है, लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का एब्लिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसी चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मनोरंजन का एक संकेत था। एब्लिन शर्म को रोका, और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आँखों के कोने सिकुड़ गए, तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है, वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्लिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं, उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्लिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थी। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्लिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्लिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी, झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया, उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया। कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्लिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेसामे उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्लिन की आत्मा के लिए महरम था, उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था, उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधुली की तरह सन कर रहे थे, अर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था, उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी, अर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर के रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल स्थोक के परे हुए छाया में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की सरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है। बचाओ तेरठ ने गुरुगुरुगी की प्रशिक्षण दे रहा है और एक 2024 की भारतीय तमिल हॉरर फिल्म है। यदि आप 2006 की अमरीका फिल्म में रुचि रखते हैं तो यह एक संरक्षण दिया गया है। ये बेनेडेंटल एक महान तटरक्षक बचाव तैराक का एक अनुसरण करता है जो अतीत की एक त्रासदी से ग्रस्त है। अपनी सीमाओं से परे उसे नए रंगुरटों के एक समूह को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली जैक फिशर की शामिल है। भीषण प्रतीक्षित एक खतरनाक और सामना करने है और साहस के एक बलिदान का अर्थ फिर से योजना करते हैं। यदि आप 2024 में तमिल हॉरर फिल्म के बारे में विवरण चाहते हैं तो जानकारी दुर्लभ है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये अर्पण नाम की एक महिला के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अशांत क्षमता है। हालांकि ये शक्ति एक अंधराक्षस मोड़ में लेती है जिसमें वो गंभीर खतरे से पर जाती है। 2024 की तमिल हॉरर फिल्म में गर्जियन अपनी खौफनाक कहानी के पेश करने के लिए एक आकर्षक कलाकार दल को इकट्ठा करती है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी है जो अपर्णा का केंद्र किरदार निभा रही है। उनके विपरीत अनुभवी सुरेश चंद्र मेनन है जो संभावत मुख्य पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि को पूरा करने वाले श्रीमंत ने जिसके परिचित्र विवरण रहस्यों में डूब गए हैं जो कथानक में एक पेचीदा तत्व जोड़ते हैं। प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्रियों की एक सूची फिल्म की गहराई को बढ़ाती है। अपनी हास्य टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली मुट्टाई राजेंद्रन को शामिल करने के डार्क ह्यूमन का अप्रत्याशित तनाव की एक संभावित परत जुड़ती है। इसे संतुलित करने वाले टाइगर थंगादुलुई जो मजबूत किरदारों को अक्सर त्रिचित करते हैं, जो आराम का स्रोत या पीछे छिपे हुए खतरे की भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों में प्रदीप वेनेटो रियान और अभिषेक विनोद शामिल है जो एक अच्छी तरह से विकसित सहायक कलाकारों की टुकड़ी का सुझाव देते हैं जो कहानी की दुनिया और उसके केंद्रीय यात्रियों के अनुभवों को समुद्र करने का वादा करते हैं। गर्जन का वित्तीय प्रदर्शन अभी भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 के रिलीज संभावत बॉक्स ऑफिस पर डेटा लिए सभी भी बहुत हाल की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अवसर सार्वजनिक रिलीज के पहले अंतिम प्रतिक्रिया गुजरते हैं जिसमें कई समाप्त या महीने की लग सकते हैं। हालांकि फिल्म की गंभीरता दिलचस्प है। हंसिका मोटवानी की स्टार पावर और हॉरर शैली की स्थायी लोकप्रियता से बचा चलता है और गार्जियन में महत्वपूर्ण टिकट बिक्री शामिल होंगी। यदि आप फिल्म के वित्तीय परिमाण के बारे में उत्सुक हैं तो अपने वाले महीनों में मनोरंजन समाचार वेबसाइटों का बॉक्स ऑफिस मोजो जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने की अधिक जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर की नमनीक गंध एवलिन ने बाली से चिपकी हुई थी जब वो घाट से नीचे उतर रहे थे। डूबना हुआ सूरज आसमान को गूंजा हुआ लैवेंडर के रंगों से रंग रहा था। पावन की उम्र से जीवन एक घिसी पिटी किताब की तरह लग रहा था, परिचित और आरामदायक लेकिन एक नई शुरुआत की चिंगारी की कमी थी। उसकी शादी 10 साल पहले खत्म हो गई थी, एक खोखला दर्द खोई हुई जिसे समय ने नरम कर दिया था लेकिन मिटाया नहीं गया था। सटे उसे घाट के अंत में एक विस्फोटोडियन इमारत के रूप में सांत्वना मिली जिसका छिलका उतरता हुआ पेंट के विमेल श्रृंखल के बीच युग की गहराई देते हैं। आज महीनों की योजना और पेंटिंग और नवनिर्मित में बिताए अनगिनत देर रातों के बाद एवेलिन आखिरकार अपने सपने के दरवाजे खोल रही है। दूसरा अध्याय पुस्तक प्रेमिकाओं के सपने देखने वाली के लिए एक आश्रय है। पहला आग्रह एक आश्चर्य था, तूफानी समुद्रों के रंग की आंखों वाला एक लंबा आदमी और हवा में से उतरे चांदी की बाल प्रवेश द्वार पर अजीब तरह से खड़े थे। सपने एक घिसी पिटी चमड़े की जैकेट और एक फीकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एवेलिन को अपनी युवावस्था से ही एक बैट की याद थी। नमस्ते सपने धीमी आवाज में कहा, वो क्या वही किताबों की दुकान है जो कभी खुली है।
नमस्ते, उसने धीमी आवाज से कहा, क्या यह वही किताब की दुकान है जो अभी खुली है? एब्रिन उसने अप्रत्याशित आगमन से चौंका गई। हकलते हुए बोली, हाँ ये वही है, दूसरा अध्याय स्वागत है। उसके एक झिझक भरी मुस्कान थी जिसमें उसकी आंखों के चारों ओर हंसी की लकीर गंभीर हुई। बिल्कुल सही नाम, मैं लियाम हूँ, उसने हाथ बढ़ाया, और मुझे एक अच्छी किताब की सख्त जरूरत है। एब्रिन ने उसका हाथ भिलाया। उसने बीच कुछ अपरिचित चिंगारी सी उठी। मैबेलिन हूँ, उसने अपना समय अब वापस पाने हुए कहा। उस हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, आप किस तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं? लियाम ने अगले एक घंटे तक अमूलिया की खांगलों के हुए बिताया। उसकी उंगलियों रीढ़ की हड्डी पर घूम रही थी और उसकी आंखें फ्लोर्स को स्कैन पर रही थी। एब्रिन ने खुद को उसकी और आकर्षित पाया। उसकी वास्तविक जिज्ञासा और जिस तरह से उसका चेहरा चमक उठा जब उसने एक छिपे हुए रत्न की खोज की। उन्होंने मोबी डिक की पहली संस्करण की प्रति पर असहमति जताया। उनकी उंगलियों घिसे हुए पन्नों पर टिकी रही। मेलविन की खाद्यों के एक उद्यान में भरी संगता है, उन्होंने उसकी निगाहों से मिलते हुए कहा। ये किसी मायावी चीर की खोज करने की बात करते हैं जो खुद से बड़ी है। एब्रिन को लगा कि ये जुराव बनप रहा है। लिखित शब्दों के लिए एक साझा प्यार उनकी उम्र के बीच की खाई को पाट रहा है। उन्होंने धाम का बाकी समय के हेमिंग्वे की संक्षिप्त शैली, जॉन ऑस्टेन की मोहब्बत के आकर्षण का, एब्रिन के डिस्कशन की दिल को छू लेने वाली कविता पर चर्चा करते हुए बिताया। ऐसे ही चांद से खड़ी पर एक चांदी जैसे चमक थोड़ी, लियाम ने अनिच्छा से कबूल किया कि उसे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपके पहले दिन देख सकते हैं होने का कारण बनूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मनोरंजन का एक संकेत था। एब्रिन शर्म को रोका। और जब भी आपको किसी अच्छी कहानी से भागने का मन करे तो दूसरा अध्याय खुला है, उसने अपनी खुद की हिम्मत पर आश्चर्यचकित होकर कहा। लियाम मुस्कुराया, उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। तो मुझे लगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अपने पचन के अनुसार लियाम के नियमित ग्राहक बन गया है। वो काम के बाद आता है, उसका आना एब्रिन के दिन का मुख्य आकर्षक बन गया है। जो दर्शन शास्त्रों के लेकिन बचपन के सपनों के हर चीज पर चर्चा करते हैं। उनके बातचीत जानकारी की तरह सजता से भरती है। एब्रिन पता चलता है कि एक समुद्री जीव विज्ञाता था जो बदलती समुद्र धाराओं और स्थानीय वन्यजीवी पर पड़ते वाले प्रभाव का एक अध्ययन करता था। अपने काम के प्रति उनका जुनून, बचाए गए जीवों के प्रति उसकी कोमल दयालुता धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारों की तोड़ रही थे। एक बरसात की दोपहर लियाम उनके दिल एक शाम के भरा कॉफी का कप लाया। क्या हुआ, लियाम ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। एब्रिन ने अपनी आंखों पीछा, अपने भीतर बढ़ती कच्ची कमजोरी से हैरान। बस यही है, उसकी दोनों के बीच इशारा किया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे लिए दूसरा अध्याय भी संभावत या नहीं। लियाम उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा रहा था। कभी कभी उससे अच्छी कहानियाँ आखिरी पन्ने पलटने की बात शुरू होती है, उसने धीरे से कहा। एब्रिन के चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान खिल उठी। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों आपस में मिला दी। रताशा महत्वपूर्ण लगा, उसके बीच एक वादा फुसफुसाया। उसका रिश्ता धीरे धीरे खिलता गया, कोमल देखभाल के पोषित एक नाजुक फूल की तरह। उन्होंने एक साथ समुद्र तट की खोज की। लियाम परिस्थिति तंत्र की पेचीदगियों के एक इंजीनियरिंग रंग, जबकि एब्रिन ने तस्वीरों की सुंदरता को कैद किया। बेशाम में उनके अपार्टमेंट में घिसे पीटे सोफे पर किताब की पन्नों से खोए हुए एक आरामदायक मौन में बिताती है जो अनकहे स्नेहों की टेपेस्ट्री बुनती थी। लियाम का प्यार एब्रिन की आत्मा के लिए महरम था। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी युवावस्था में गुजर चुकी महिला के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति के रूप में देखा जो मजबूत और ललचीली थी। उसका दिल समुद्री हवा में तरह विशाल था। उन्होंने उसके दर्द को चुनौती दी जो उसे फोटोग्राफी का सोर्स करने के लिए उत्साहित किया। उसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शाम जब जुनून छोटे सितारों की तरह गोधूली की तरह रोशन कर रहे थे, आर्थर ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने उनकी दयालु आत्मा, उसकी शांत शक्ति और जिस तरह से वो असाधारण के जादू ढूंढती है, उसके लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की। जैन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई लालसा के जो आखिरकार स्वीकार ही हो गए है। उनका प्रयास प्रशंस एक आनंददायक वोल्टेज था। उन्होंने छिपे हुए इजारों की खोज की। उनकी हंसी घटी के दीवारों से गूंज रही थी। आर्थर ने जैन और जैन के ऑस्टेन उत्सव के टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उन्होंने वेशभूषा वाले यात्रियों की दिनों की और अपनी पसंदीदा पुस्तक की पंक्तियां सुनाई। बदले में जैन ने उसके लिए मोटी ब्लूप्रिंट की जड़ी किए गए बनाई, जिसकी मिठास उसके दिलों में बढ़ते प्यार की दर्शाती थी।
एक ठंडी सारत शत्रु की दोपहर जब पंक्तियों जले हुए अनबर की रंग में बदल रही थी, अर्थर ने प्रस्ताव रखा। उसने घुटने नहीं टेके, उसने पास कोई अब इशारा नहीं था, उसने बस जेन को देखा। उसकी आंखों में आग के लपटे देख रही थी और उसकी कहा, जेल क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय लिखाना चाहोगी, एक अध्याय जो हंसी साथ और शायद कुछ और जुनून के पीछा से भरा हो। जेन के चेहरे पर खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। जहाँ अर्थर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शादी एक छोटे से समारोह से हुई जो एक विशाल थोक के परे हुए छायक में हुई थी। जब उन्होंने शपथ ली तो पक्षियों के चहचहाट और हाथ हंसी घुल मिल गई। उसकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी ने जीवन की शरद शत्रु में भी प्यार खिल सकता है।